I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the... Hey guys, what's up? So I'm back with another video. So आज से हम start कर रहे हैं 8 weeks fat loss series, जिसमें हम whey protein का giveaway भी रख रहे हैं, but उसके बारे में video के end में बात करेंगे. तो आज है हमारी fat loss series का day 1, जिसमें हम train करेंगे back, biceps, उसके साथ हम करेंगे 20 minutes cardio. तो सबसे पहले हम बात करते हैं muscle anatomy की. हमारी back में 3 muscle होती हैं, tree, जिसे हम बोलते हैं lower back, wings and third is hurt. दिल वाला hurt नहीं, back का एक muscle होता है जिसे हम बोलते हैं hurt. अब बात करते हैं बाइसेप्स की. बाइसेप्स में भी 3 मसल होती हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड एंड ब्रोकियालिस. तो हम सारे मसल्स का एक एक वर्कआउट करेंगे. तो चलिए आइए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. उस मेक श्योर उससे वर्कआउट डेली वर्कआउट करने से पहले आप प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग नहीं करते तो उससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी. तो चलिए आइए वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद सबसे पहले हमने करने हैं पुलअप्स. कंपाउंड एक्सरसाइज है ये. जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो इससे इसका इफेक्ट आपके बाइसेप्स और शोल्डर पे भी आएगा. इसके हमने 4 सेट करने हैं, 8 to 10 रेप्स निकालने हैं. तो अब बात करते हैं वर्कआउट नंबर 1 की. वर्कआउट नंबर 1 हमारा होगा लैट पुल डाउन. जब भी आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, मेक श्योर आपकी बैक ज़्यादा पीछे नहीं आनी चाहिए, और जब रॉड नीचे आएगी तो आपने अपनी बैक को स्ट्रेच करना है. इसके हमने 4 सेट करने हैं. रेप रेंजेस इसके हमारे रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16. अब बात करते हैं इसकी ऑल्टरनेट एक्सरसाइज की. ऑल्टरनेट इसका होगा डंबल रोइंग. जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, मेक श्योर आपकी लोअर बैक स्ट्रेट रहे, चेस्ट अप रहनी चाहिए. इसके भी हमने 4 सेट करने हैं. रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे. वर्कआउट नंबर 2 हमारा होगा टी बार रोज. अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लोअर बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेस्ट अप रहनी चाहिए. इसके भी हमने 4 सेट करने हैं. रेप रेंजेस इसके भी हमारे सेम रहेंगे 12 to 16. जब रॉड ऊपर आएगी तब आपने अपनी बैक को स्ट्रेच करना है. सो गाइज, अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेट वर्कआउट की. ऑल्टरनेट हमारा होगा बारबल रोज. बारबल रोज और टी बार रोज ट्रेन करेंगे हमारे हर्ट मसल को. सेट्स और रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे. अब आते हैं वर्कआउट नंबर 3 पे. वर्कआउट नंबर 3 हमारा होगा डेडलिफ्ट्स. ये ट्रेन करेगा हमारे लोअर बैक को, लोअर बैक के साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करेगा ये, बिकॉज ये कंपाउंड एक्सरसाइज है. डेडलिफ्ट का भी ऑल्टरनेटिव है जो है हाइपर एक्सटेंशन. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हाइपर एक्सटेंशन ना करके ज़्यादा फोकस करें आप डेडलिफ्ट पे, बिकॉज अगर आप वीक में 2 बार भी डेडलिफ्ट करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है. तो अब आते हैं वर्कआउट नंबर 4 पे. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइसेप्स का वर्कआउट. बाइसेप्स का वर्कआउट नंबर 1 होगा हमारा इंक्लाइन डंबल कर्ल्स. इसके हमने 4 सेट करने हैं. रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे 12 to 16. मेक श्योर आप अपनी एल्बो को ज़्यादा मूव ना करें और वेट लाइट लिफ्ट करना है हमने. इसका ऑल्टरनेट होगा हमारा ईजेड बार कर्ल्स. आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन, एल्बो बिल्कुल मूव नहीं कर रही. बहुत बंदे इसमें क्या गलती करते हैं, वो वेट ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं बट लिफ्ट वो फिर अपने शोल्डर से करते हैं. सेट्स और रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे. अब आते हैं वर्कआउट नंबर 5 पे. ये होगा हमारा वाइड ग्रिप बारबल कर्ल्स, जो ट्रेन करेगा हमारे शॉर्ट हेड को. आप मेरी पोजीशन इसमें भी देख सकते हैं, मैं शोल्डर से लिफ्ट नहीं कर रहा, एल्बो मेरी बिल्कुल मूव नहीं कर रही. तो आपने भी ऐसे ही लिफ्ट करना है. 4 सेट करने हैं इसके हमने. रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे 12 to 16. अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेट की, जो होगा प्रीचर कर्ल्स. बहुत बंदे इसमें गलती करते हैं, वो अपने ट्राइसेप्स का मसल को मूव कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर पोजीशन गलत हो जाती है. तो आपने ये गलती नहीं करनी. अगर आपको करेक्शन की वीडियोस देखनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे डेली करेक्शन की वीडियोस पोस्ट करता हूँ. इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं. सो गाइस, ये हमारा लास्ट वर्कआउट. ये है हैमर कर्ल्स. ये ट्रेन करेगा हमारे ब्रोकियालिस मसल को. पोजीशन आप इसमें भी मेरी देख सकते हैं, मैं शोल्डर से लिफ्ट नहीं कर रहा. जब आप डंबल को ऊपर लेकर जाएंगे, आपने 1 सेकंड के लिए होल्ड करना ऊपर. इसके हमने 4 सेट करने हैं. रेप रेंजेस इसमें भी हमारे सेम रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16. जैसे जैसे आप वेट बढ़ाएंगे आपने रेप रेंजेस अपने कम करने हैं. इसका ऑल्टरनेट होगा रिवर्स बारबल कर्ल्स. ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स की. जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा आपके ब्रोकियालिस पे, बाइसेप पीक पे, और आपके फोर आर्म्स को भी ट्रेन करेगा. वर्कआउट करने के
5 से 10 मिनट बाद हमने करना है 20 मिनट्स के लिए कार्डियो। आप स्प्रिंट मशीन यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 10 से 15 मिनट ट्रेडमिल या साइकिल 10 से 15 मिनट आप ट्रेडमिल चला लें, उसके बाद 10 से 15 मिनट आप साइकिल चला सकते हैं। सो गाइज वी आर डन विद आवर वर्कआउट, अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। सो गिव अवे के 3 पॉइंट है जो आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। पॉइंट नंबर 2, आपने वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में पोस्ट करना है, उसमें मेरे को टैग करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 3, ये हमारा 8 वीक्स का प्लान है, एवरी वीक आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है और मेरे को उसमें टैग करना है। जिसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अच्छी होगी उसको मेरी तरफ से मिलेगा बिग मसल का प्रोटीन। सो दैट्स इट, वी आर डन विद आवर वीडियो एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओवर एंड आउट।